Subscribe the channel for tech-related updates and press the bell icon for instant notifications. Hi, welcome back to the channel. Thumbnail देखके तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं काफी प्रीमियम वायरलेस ईयरफोन्स का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं टेक टुडे। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोस के साउंड स्पोर्ट वायरलेस ईयरफोन्स की। इस ईयरफोन को मैं करीब एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैं इससे इतना ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ कि मुझे लगा इसका एक वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए मेरे फीडबैक और मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं इस वीडियो के अंदर और देखते हैं ये वायरलेस ईयरफोन्स किस तरीके से पैकिंग में आते हैं और इसके बाद बात करेंगे कि ये किन यूज़र्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं और किन को ये वायरलेस ईयरफोन्स कंसिडर करने चाहिए। सो ये है बोस का साउंड स्पोर्ट वायरलेस ईयरफोन। बोस एनीवेज बहुत प्रीमियम डिवाइस है और इसकी पैकिंग को देख के ही ऐसा लग रहा है ये डेफिनेटली एक प्रीमियम डिवाइस है। सो उसके बॉक्स को देख लेते हैं पहले। यहाँ पे हमें बोस की ब्रांडिंग मिलती है, ईयरफोन का एक लुक दिया गया है, मॉडल एंड डिज़ाइन ऑफ द ईयरफोन दिया गया है विच इज साउंड स्पोर्ट, साइड इज ओनली द ब्रांडिंग। यहाँ पे हमें दिया गया क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, यहाँ पर प्राइसिंग डिटेल्स भी दी गई हैं। इफ़ यू कैन सी, वैसे तो MRP इसकी 13,000 के आसपास है बट आपको ये काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा Amazon के ऊपर। तो आप बॉक्स पे देख सकते हैं, दिस इज़ मेड फॉर iPod, iPhone एंड iPad, इट इज़ Android इनेबल्ड एंड ऑफ कोर्स ब्लूटूथ इनेबल्ड। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड इटालियन में, और यहाँ पे भी शायद कोई और लैंग्वेज हैं दो जो इस स्टिकर के नीचे दी हैं। सो इन इंग्लिश इन्होंने लिखा है, डायनेमिक वायरलेस साउंड, स्टेबल कंफर्टेबल ईयर टिप्स, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, स्वेट एंड वेदर रेजिस्टेंट, एनहेंस हेडफोन्स विद बोस कनेक्ट ऐप। सो आपको इसमें एक एप्लीकेशन भी मिल जाती है जिसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इनलाइन माइक्रोफोन एंड अप टू 6 hours ऑफ बैटरी पर चार्ज। ओके, यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, दिस इज मेड इन मलेशिया, मलेशिया में बना है ये। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। ये इसका कंप्लीटली ब्लैक डिटेल्स हैं। चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं। किताब की तरह खुल रहा है और अंदर से भी किताब ही निकली। तो सबसे पहले कुछ पेपर वर्क, वारंटी कार्ड है ये, साइड में रख देते हैं। इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, पूरी डिटेल्स इसमें दी गई हैं, अगर आप इन्हें पढ़ के इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो इस डिवाइस को आपको अपने फ़ोन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, सारी डिटेल्स इसके अंदर दी गई हैं। चलिए साइड में रखते हैं इसको। और यहाँ पर है हमारा ईयरफोन। तो ये कुछ इस तरीके से पैकिंग में आता है। इसको फॉर अ वाइल साइड में रखते हैं और देखते हैं कुछ और क्या चीज़ें हमें इसके अंदर मिलती हैं। सो हमें यहाँ पे मिला है ये पाउच जिस पे भी बोस की ब्रांडिंग दी गई है, एंड यहाँ पे ये एक हाई क्वालिटी क्लिप भी दी गई है जिसे आप अपने ईयरफोन्स को इसके अंदर रख सकते हैं, एंड देन आप अपने बेल्ट लूप या बेल्ट में डाल के यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे अपने किसी बैग में आप इसको हैंग कर सकते हैं। राइट, इसको भी रख देते हैं साइड में। ये मिलती है एक स्टैंडर्ड माइक्रो USB टू USB केबल फॉर चार्जिंग द डिवाइस। और यहाँ पे हमें कुछ मिले हैं ईयर टिप्स, एक सेट उसमें ऑलरेडी लगा हुआ आया है ईयरफोन्स में, और ये दो और सेट्स हैं, ये स्मॉल साइज है और ये लार्ज साइज है, मीडियम उसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है।
चलिए अब निकालते हैं ईयरफोन्स को। ये हैं हमारे बोस के ईयरफोन्स, थोड़ा क्लोजली देख लेते हैं इनको। ये है इसका पावर बटन, यहाँ पे हमें दिया गया है पावर एंड ब्लूटूथ इंडिकेटर, और ये है चार्जिंग पोर्ट, और ये कवर हेल्प करेगा आपको आपके ईयरफोन्स को वाटर, स्वेट एंड बाकी मॉइस्चर से बचाने के लिए। ये इसके कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन। यहाँ पर आप इसको प्रेस करके इंस्ट्रक्शंस कमांड दे सकते हैं, और यहाँ पर आपका माइक है। ये NFC इनेबल्ड भी है, सो अगर आप NFC इनेबल्ड डिवाइस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन NFC इनेबल्ड है, तो जस्ट कनेक्ट करके भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन को आंसर या रिजेक्ट करने के लिए आप ये सेंटर बटन दबाएंगे, एंड आपको ये क्लिप भी मिलती है। इस क्लिप का बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको अराउंड द नेक पहन रहे हैं, तो इसे आप अपने कॉलर पे या फिर किसी और क्लोदिंग में इसको लगा सकते हैं, जिससे कि आपका ईयरफोन स्लिप नहीं करेगा। अगर आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं और इसको कहीं भी इस तरीके से लगा सकते हैं। इस पे भी बोस की ब्रांडिंग दी गई है। एंड दिस इज द अदर ईयरफोन, ये क्लियर है। इस पे कुछ और बटन या फिर चार्जिंग पोर्ट या कुछ और ऐसा नहीं दिया गया है। यहाँ पे भी हमें बोस की ब्रांडिंग दिखती है। ओके, यहाँ पे ईयरफोन्स का एक पावर बटन दिया गया है। अगर आप इसको पेयर करना चाहते हैं, तो आपको ये लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पर हमें इंडिकेटर्स दिखाई देंगे। सो ऑरेंज लाइट मीन्स इसकी जो बैटरी है वो थोड़ी मिडिल रेंज में है, एंड वाइट मीन्स ये पेयर हो रखा है ऑलरेडी। सो अपने ईयरफोन्स को पेयर करने के लिए आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जो है बोस कनेक्ट। सो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, जैसे इसकी बैटरी कितनी है, अगर आपको इसका फर्मवेयर अपडेट करना है तो भी आप कर सकते हैं, और कई और सेटिंग्स इसमें आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं आप इसका नेम भी बदल सकते हैं, और कनेक्शंस को मैनेज कर सकते हैं, म्यूज़िक शेयर कर सकते हैं दूसरे बोस के डिवाइसेस के साथ, स्टैंड बाई टाइमर को चेंज कर सकते हैं कि कितनी देर पहले आपको बता दें कि अब ये स्टैंड बाई में चल रहा है। सो ये एक एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ करके अपने ईयरफोन्स को मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। मैंने इसको जस्ट रीपैक किया था सो दैट मैं आपको दिखा पाऊँ कि बॉक्स में किस तरीके से ये आता है। सो मैं जब इस ईयरफोन को यूज़ करता हूँ, तो मैं जनरली रनिंग के लिए या फिर एक्सरसाइज करने के लिए यूज़ करता हूँ, या फिर 90% आजकल मैं इसको यूज़ करता हूँ अपने ऑफिशियल कॉल्स के लिए। ये हमेशा मेरे कॉलर पे रहता है, और जब भी मेरी ऑफिशियल कॉल्स आती हैं तो मैं इसी से कॉल्स आंसर करता हूँ। मैं जनरली डेली टॉकिंग टाइम इज़ अबाउट 4 आवर्स, और इसको दिन में ऑफकोर्स एक बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट पूरे दिन ये मेरे कॉल्स को लेने में हेल्प करे। क्योंकि जब आप कॉल्स पे रहते हैं तो ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, क्योंकि हमेशा ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है, एंड देन सिग्नल्स रिसीव और सिग्नल सेंड कर रहा है जब भी आप इससे बात करते हैं। बोस की म्यूज़िक क्वालिटी में आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी डाउट्स, तो आपको म्यूज़िक तो बहुत ही अच्छा मिलता है इसके साथ। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ईयर्स में, और ये कभी भी, मतलब अभी तक मेरा ऐसा एक बार भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि ये एक बार भी ईयर टिप्स निकल गए हों और गिर गए हों, ये कान में से निकल गए, ऐसा है नहीं। और बहुत सॉफ्ट, बहुत कंफर्टेबल हैं ये, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने ऐसा कुछ ईयरफोन्स पहने हुए हैं, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी वेरी कम्फर्टेबल। इट इज़ सिलिकॉन, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। मेरे पास सैमसंग के ईयरबड्स भी हैं, वो इतने ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं हैं इनके सामने। मैं हमेशा 99% इनको यूज़ करना चाहता हूँ, बोस के ईयरफोन्स को यूज़ करना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ द सैमसंग ईयरबड्स। अगर बैटरी लाइफ की बात करें,
आप सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए इसको लेते हैं और आप 1 से 1.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग के लिए जाते हैं, तो आप आराम से 3 से 4 दिन इसको बिना चार्ज किए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली इसको कॉल के लिए यूज़ करते हैं तो आपको एक बार ये ज़रूर चार्ज करना पड़ेगा। देखते हैं इसको इसमें किस तरीके से रखना है। अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं तो ये आराम से इस पाउच के अंदर फिट हो जाता है और इस तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं। सो इस ईयरफोन सेट को मैं करीब करीब 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे 2 टाइप के ज़्यादातर यूसेज हैं। एक तो मैं इससे जॉगिंग करता हूँ इसको यूज़ करते हुए, क्योंकि ये स्वेट रेजिस्टेंट है, और दूसरा मैं पूरे दिन इससे वॉइस कॉल्स ले रहा होता हूँ। अपने ऑफिशियल कॉल्स के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। मेरा करीब करीब 4 से 5 घंटे का यूसेज टाइम होता है। जनरली मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं और मैं हमेशा इसी ईयरफोन को यूज़ करता हूँ अपने कॉल्स लेने के लिए, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। एक तो इसके ईयर टिप्स इतने सॉफ्ट हैं, इतने कंफर्टेबल हैं कि पूरे दिन यूज़ करने के बाद भी पता नहीं चलता है कि आपने कोई ईयरफोन लगाया हुआ है अपने कान में। दूसरा, इसकी बैटरी बैकअप भी काफ़ी डिसेंट है, करीब 5 से 6 घंटे का आपको टॉकिंग टाइम मिल जाता है और इसमें पूरा दिन आराम से निकल जाता है। सो दो चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आप सिर्फ कोई स्पोर्ट इवेंट के लिए या फिर जॉगिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, अपने जिम में यूज़ कर रहे हैं, तो आप करीब 1 से 1.5 घंटे अगर डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इसको 3 से 4 दिन में एक बार रिचार्ज करना पड़ेगा। और अगर आप डेली इसको कॉल्स के लिए भी यूज़ करते हैं तो 1 दिन में एक बार ज़रूर रिचार्ज करना पड़ेगा। इसको पूरा चार्ज करने के लिए करीब 1 घंटा लगता है। आप इसे माइक्रो यूएसबी के साथ अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी नॉर्मल चार्जर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि ये ईयरफोन्स किसको कंसिडर करने चाहिए। अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट नहीं है और आप 8 से 10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं टू एक्सपीरियंस द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये ईयरफोन्स आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, आप जॉगिंग रनिंग करते हैं और जिम जाते हैं और साथ में आपको ईयरफोन्स और म्यूज़िक सुनने का शौक है, तो ये ईयरफोन्स स्वेट प्रूफ हैं, आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कॉल्स पे होते हैं, अपने ईयरफोन्स को यूज़ करते हैं, तो भी आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी वॉइस क्लैरिटी जाती है दूसरे पार्टी को अगर जब बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका जो माइक है वो काफ़ी रीचेबल है और काफ़ी यू नो डिस्ट्रॉशन नहीं होता है, ना ही उनको ऐसा लगेगा कि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक मैंने इसमें फेस करी। ना किसी ने मुझे ऐसा बताया कि आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है या फिर बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, तो उनके लिए भी ये कंसिडर किया जा सकता है। मैंने आपको बताया तो 3 चीज़ हैं इसमें, बजट, सेकेंड अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, जिम जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, तीसरा अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कॉल पे होते हैं, तो ये तीनों लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट इसके लिए सपोर्ट करता है। चलिए बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो इसमें भी थोड़ी सी कमियाँ हैं। तो मैंने जो अभी तक इसमें एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो माइक्रो यूएसबी है, ना कि टाइप सी। इतना प्रीमियम होने के बाद भी इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है, जबकि आज के डेट में हमारे सारे चार्जर्स टाइप सी हो चुके हैं। दूसरा, इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं है। इतना प्रीमियम और इतना महंगा ईयरफोन होने के बाद भी इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। लेकिन मैं इसमें समझ सकता हूँ, क्योंकि इसको बनाया गया है स्पोर्ट्समैन को ध्यान में रखते हुए। अगर आप इसको जॉग करते हुए रोड पर जाते हैं और उसमें ट्रैफिक है और आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तो वो भी एक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो शायद इसलिए इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं दिया गया है। तो ये एक, अगर आप समझते हैं कि ये दोनों ड्रॉबैक हैं इसके और आप इसको कंसिडर नहीं करना चाहें, तो आप इनको ज़रूर पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कोई प्रीमियम ईयरफोन्स खरीदने का प्लान कर रहे थे तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। और अगर सही में पसंद आई है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। टेक टुडे देखने के लिए शुक्रिया।